हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और प्यारा सा रेसिपी, मोहब्बत का शरबत या प्यार मोहब्बत का शरबत। नाम जितना ब्यूटीफुल है, ये ड्रिंक भी उतना ही ब्यूटीफुल है, टेस्टी है, हेल्दी है, साथ ही ये बहुत ही जल्दी विद इन 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। और इसे हम लोग बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे प्यार मोहब्बत के शरबत के लिए मैंने लिया है वाटरमेलन, ये आधा वाटरमेलन है। तरबूज मैंने इसे इस तरीके से काट लिया है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने यूज़ किया है दूध, ये 1 ग्लास है और ठंडा है। और ये है रू अफ़ज़ा, ये अराउंड आधी कटोरी है। कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और शक्कर है। उसके अलावा इलायची, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हम लोग तरबूज में से बीज हटा लेंगे। तरबूज में से जितना पॉसिबल हो उतना आप बीज निकाल लीजिए, क्योंकि इसे आगे हम लोग ग्राइंड करेंगे, तो ग्राइंड करते समय ये उसमें पिस जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे बीज हटा लेंगे। हटाने के बाद इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस तरीके से लंबा चीरा लगा रही हूँ, काट रही हूँ। उसके बाद मैं बीच में से इस तरीके से काट के इसके छोटे छोटे क्यूब कर लूँगी। आपको जो मेथड ईजी लगता है उस मेथड का आप यूज़ करके वाटरमेलन को काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधे वाटरमेलन का यूज़ किया है। वाटरमेलन बॉडी को ठंडक तो पहुंचाता ही है, साथ ही ये हेल्दी भी है। जनरली बच्चे वाटरमेलन खाते नहीं, तो इस तरीके से हम लोग इसका ड्रिंक बना के, शेक बना के बच्चों को देंगे तो वो इजीली इसे कंज्यूम करेंगे। तो अब इस तरीके से मैंने पूरे दोनों वाटरमेलन को कट कर लिया। कट करने के बाद थोड़ा सा वाटरमेलन मैं अलग निकालूंगी ताकि उसे हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकें। अभी मैंने लिया एक ग्राइंडिंग जार और इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ वाटरमेलन। डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। अगर वाटरमेलन ज़्यादा मीठा है तो आप शक्कर स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3 टीस्पून का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या जैसे कि मैंने बताया वाटरमेलन ज़्यादा मीठा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग रू अफ़ज़ा का भी यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अभी मैं इसे डाल रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल में, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ग्लास चिल्ड दूध, एकदम गाढ़ा दूध है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी रू अफ़ज़ा। रू अफ़ज़ा नहीं है तो आप रू सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे कूटी हुई इलायची। इलायची का फ्लेवर और रोज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसे मैंने इलायची डाला है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इलायची कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। अब इलायची डाल के मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कटे हुए वाटरमेलन के क्यूब्स और आइस क्यूब्स। आप चाहो तो इसे बनाकर फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, या आइस डाल के तुरंत भी सर्व कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ। उसके बाद एक बार मिक्स करके चेक कर लेना, अगर मीठा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मीठा ऐड करना, अदरवाइज डायरेक्टली इसको ऐसे मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। मैंने गार्निशिंग के लिए रोज़ पेटल का यूज़ किया है। आप चाहो तो इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या फिर वनीला आइसक्रीम या कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम रख कर भी आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये प्यार मोहब्बत का शरबत ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।